जब यौन्ना को पकड़ा गया, आप जानते हैं उसको क्या सजा दी गई थी? उसको सजा दी गई कि खौलते हुए तेल में उसको डाला गया। आप जानते हैं रोम के अंदर यातनाएं कैसी होती थी, शेर जो है उनको चीर फाड़ डालते थे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बधाई से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में, और इसके बारे में हम सीख रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक क्या है, परमेश्वर किस तरीके से बातचीत करता है, और क्या बातचीत है परमेश्वर की, क्या दर्शन है परमेश्वर का, दुनिया का के बारे में पता करेंगे कि दुनिया के बारे में कि दुनिया का अंत कब होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है, और जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो किस तरीके से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, ये सब बातें जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यूहन्ना ने लिखा। यूहन्ना जो था वो यीशु मसीह का सबसे छोटा चेला था, और यूहन्ना ने ये पुस्तक पासमोर टापू पर लिखी है 95 AD में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लगभग 404 पद हैं। जी हाँ, 404 पद हैं, और ये इसके अंदर 22 अध्याय हैं। इन 22 अध्यायों को 7 भागों में या 7 खंडों में बांटा गया है। ये 7 भाग जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के या किसी भी पुस्तक के जो भाग होते हैं, जब आप उनको भाग करते हैं, उनको कहते हैं रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब होता है आउटलाइन। जब आप किसी भी पुस्तक की आउटलाइन करेंगे, उसके भाग करेंगे, तो वो पुस्तक बहुत आसानी से समझ में आती है, और उसको पढ़ने का एक अलग आनंद आ जाता है। पता चलता है कि आप उस पुस्तक के कौन से भाग में क्या बात लिखी है, और परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे, क्या समझाना चाहता है उस भाग के द्वारा। तो ये बहुत सी चीजें जो हैं, आपको जब आप भाग करके रूपरेखा बनाकर या आउटलाइन बनाकर आप पढ़ते हैं, तो आपको ये चीजें समझ में आती हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो रूपरेखा है प्रकाशित वाक्य के जो 7 भाग हैं, उनके भी भाग हैं, और एक और आपको बता दूं कि उन भागों के भी भाग हैं। अगर ऐसे मैं इन भागों की सूची को तैयार करूं या इस सूची को आपके सामने प्रस्तुत करूं, तो ये समझ लीजिए बहुत समय लगेगा। परंतु मैं प्रकाशित वाक्य जो 22 अध्याय हैं, उनके जो मुख्य 7 भाग हैं, मैं उनके बारे में आपसे बातचीत करूंगा। उसका जो पहला भाग है वह है प्रस्तावना। प्रस्तावना कहते हैं या भूमिका कहते हैं। ये प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय से लेकर और उसके पहले पद से लेकर उसके 3 पद तक है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके पहले पद से लेकर 3 पद तक जो है ये उसकी प्रस्तावना जो है वो तैयार की गई है। दूसरा जो इसका भाग है, ये आरंभिक दर्शन और 7 कलीसियाओं के नाम पत्र का भाग है, और ये प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 4 पद से लेकर प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 22 पद तक है। इसके बारे में इसका वर्णन मिलेगा। तीसरा भाग है परमेश्वर का सिंहासन और 7 मोहर बंद पुस्तक। ये आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के पहले पद से लेकर प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय के पहले पद तक, इसके बारे में इसका वर्णन है। चौथा जो भाग है, चौथे भाग का जो वर्णन है वहां पर है परमेश्वर का न्याय और 7 तुरियां, उसके बारे में जो है इस भाग के अंदर लिखा हुआ है, और ये आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय के 2 पद से लेकर प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय के 19 पद तक। पांचवा भाग जो है, ये पांचवा भाग बड़ा रुचिकर है। इसको जरा बहुत ध्यान से जब हम इसमें आएंगे तो बहुत ध्यान से इसकी स्टडी करेंगे। ये जो पांचवा भाग है, ये है अंतिम संघर्ष और महान विवाद। ये प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 1 पद से शुरू होता है और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 15 पद तक है। छठवां भाग है इसका, नया आकाश, नई पृथ्वी और नया यरूशलम, जिसकी हम सबको आशा है, जिसके इंतजार में हम लोग हैं, जहां जाने की हम लोग सोच रहे हैं, और ये जो है वहां 1000 साल तक राज करने के बारे में लोग वर्णन करते हैं इसका। ये प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के पहले पद से लेकर प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 15 पद तक जो है, अब सॉरी 5 पद तक आपको मिलेगा। जी हाँ, 5 पद तक इसको देखेंगे। और सातवां भाग यानी अंतिम भाग है उपसंहार, चेतावनी, निमंत्रण जो है इसके बारे में है, और ये प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 6 पद से लेकर 21 पद तक आपको मिलेगा।
जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है पात्मोस टापू पर लिखी गई है। पात्मोस टापू जो है ये, इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी होनी चाहिए। पात्मोस टापू जो है एजियन सागर का एक बंजर ज्वालामुखी द्वीप है। जी हाँ, ज्वालामुखी वहां जो है वो ये द्वीप है। ये एक यूनानी द्वीप है जो है, इसके बारे में लिखा है। और थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से लगभग 269 मीटर 883 फीट ऊंचाई पर है। और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है 17.390 वर्ग मील, अर्थात 34.05 किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। यूनानी की जो पौराणिक कथाएं हैं उसके अनुसार इस द्वीप का मूल नाम जो था, जो पहला जो पुराना नाम था, मेरे ख्याल से आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, उस नाम के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार इस द्वीप का मूल नाम जो था लेटोइस था। जी हाँ, लेटोइस था, जो एक लेटो नामक देवता की बेटी के नाम पर रखा गया था। जी हाँ, इसका नाम पात्मोस टापू जो है वो पड़ा। और ये पात्मोस टापू जो है ये तुर्की के पश्चिमी तट पर एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये स्थान रोमन सम्राटों द्वारा जो था, ये जब रोम का राज था और रोमन सम्राटों के द्वारा इस स्थान पर जो है मुजरिमों को भेजा जाता था, उनको यातनाएं दी जाती थी और ये बहुत भयंकर सजा होती थी। यहाँ पर आपने काला पानी का नाम सुना होगा कि उसे काला पानी की सजा हो गई। ये समझ लीजिए, ये काला पानी की सजा से भी भयंकर सजा आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये जो टापू है पात्मोस टापू, ये उस समुद्र के बीच में बिल्कुल स्थित है और इसके चारों तरफ खारा पानी है। आप इस पानी को पी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आपने उस पानी को पी लिया तो बहुत बीमारियां आपके अंदर पैदा हो जाएंगी। और ये बिल्कुल बंजर भूमि है, खाने पीने को कुछ नहीं है। इंसान जो है अगर वहां पर रख दिया जाता था तो कम से कम कुछ ही दिनों के बाद बिना पानी के और बिना खाने के उसकी मृत्यु हो जाती थी। ये सजा जो थी उनको दी जाती थी। यहां पर जो है यूहन्ना को रखा गया। अब मैं यूहन्ना के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, किसी भी लेखक, कोई भी लेखक है किताब का, जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप उसको नहीं जानेंगे, तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि उस लेखक के विचार क्या क्या है, या वो उसने उस पुस्तक को कैसे लिखा है, वो क्या समझाना चाहता है, या परमेश्वर ने उसके द्वारा क्या बात कही है और वो क्या कहना चाहता है। तो उसकी कार्यशैली के बारे में और उसके जो है रहन सहन के बारे में और उसका संबंध जो है परमेश्वर से कैसा रहा, उसका कार्य क्षेत्र क्या था, इन सब बातों की जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो इस पुस्तक को पढ़ने में और भी आसानी होती है, बहुत ही आसानी होती है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूहन्ना का जो है, यूहन्ना जो नाम है, यूहन्ना का इब्रू नाम जोनान की ग्रीक संस्करण है। ये ग्रीक भाषा के संस्करण का, मगर ये इब्रू नाम जो है वो जोनन है इसका नाम जो है। यूहन्ना यीशु मसीह के 12 चेलों में गिना जाता था और ये प्रेरित भी था यूहन्ना जो था। इसकी माता का नाम सलोमी और पिता का नाम जब्दी था। इसका जो बड़ा भाई जो था उसका नाम याकूब था, और याकूब जो था वो भी प्रेरित था और यीशु मसीह का चेला था याकूब जो था। ये याकूब, यूहन्ना और कैफा, इसके बारे में गलतियों की पत्री और 2 अध्याय और उसका 9 पद जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि ये जो थे ये खंबे समझे जाते थे, कलीसिया के खंबे समझे जाते थे। और यूहन्ना का मैं आपको बता देना चाहता हूं, यूहन्ना का जो अर्थ है यहोवा का अनुग्रह पूर्ण उपहार है। इसका जो यूहन्ना नाम का अर्थ है यूहन्ना का, कि यहोवा का अनुग्रह पूर्ण यानी अनुग्रह से भरा हुआ उपहार, गिफ्ट जो है वो है यूहन्ना का नाम का जो अर्थ है। बड़ा अच्छा नाम है और सही बात है, अगर हम उसके नाम को देखें तो हमें जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मिली है परमेश्वर ने जो उसके द्वारा दी है तो बिल्कुल फिट ये नाम का जो मीनिंग है उसके ऊपर बैठता है कि हमें एक उपहार मिला है, कि परमेश्वर हमसे अंत समय के बारे में बात कर रहा है, एक नए आकाश के, एक नई पृथ्वी, एक नए यरूशलम के बारे में बात कर रहा है, अपने राज के बारे में बात कर रहा है। ये हमारे लिए सब उपहार की बातें हैं और इनको जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। यूहन्ना का जन्म जो है लगभग 6 ईस्वी में हुआ था,
यूहन्ना का जन्म जो हुआ था, और इसकी मृत्यु लगभग 105 ईस्वी में यानी एडी में इसकी मृत्यु हुई थी। एक बड़ी खास बात मैं आपको इस यूहन्ना के बारे में बताना चाहता हूँ, बल्कि सारी खास बातें हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो और भी बहुत सी खास बात जो है इस यूहन्ना के बारे में आपको मिलेंगी। सबसे बड़ी जो खास बात जो है, ये सैनेड्रिन की महासभा का सदस्य था यूहन्ना जो था। आप सोचिए कि एक इतनी बड़ी महासभा का ये सदस्य होना उस समय अपने आप में ही एक काबिलियत थी उसकी, जो इसको वहां पर रखा गया था। वहां पर अगर कोई पकड़ा जाता था या चेलों का पकड़े गए या चेलों के लिए कोई दंड किया गया है या न्याय करने किया गया है, तो ये उसमें उनका न्याय भी करता था। ये बहुत बड़ी बात थी। आप जानते हैं यूहन्ना का एक और नाम था, यूहन्ना का, या आप कह लीजिए उसका सरनेम कह लीजिए, उसे सरनेम से भी जाना जाता था, या आप कह लीजिए उसे दूसरे एक नाम से भी जाना जाता था, जो मरकुस कहलाता था। जी हाँ, मरकुस कहलाता था। आप प्रेरितों के काम 12 अध्याय और उसका 12 पद पढ़ेंगे, 12 का ही 25 पद पढ़ेंगे, और प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसका 37 पद जब आप पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका 25 पद जब आप पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये लिखा है कि मरकुस जो है यानी यूहन्ना जो है वो मरकुस भी कहलाता था। वहां पर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। मैं आपको इसलिए रेफरेंस दे रहा हूं ताकि आप बाइबल से पढ़ लें कि यूहन्ना को ही मरकुस से कहा जाता था। और एक और महत्वपूर्ण बात है, जब आप प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका 25 और प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसका 37 से 41 पद तक पढ़ेंगे, तो वहां पर जैसे पौलुस और बर्नबास ने मिशनरी यात्राएं की हैं यानी प्रभु के कार्य के लिए, यूहन्ना ने इनके साथ मिलकर काम करा है। पौलुस के साथ काम करना, बर्नबास के साथ काम करना अपने आप में एक अहमियत रखता है, क्योंकि ये बहुत बड़े जो थे प्रीचर रहे हैं और इनकी जो प्रीचिंग है बहुत हाई लेवल की रही है। इसको पौलुस को समझना हर एक के बस की बात भी नहीं है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, बर्नबास को समझना हर एक के बस की बात नहीं है। आप जानते हैं बर्नबास ने भी एक पत्री लिखी है, और मैं सिर्फ थोड़ा सा इसमें हिंट्स आपको दूंगा, और वो पत्री है इब्रानियों के नाम पत्री। अगर इसके बारे में कभी चर्चा हुई तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इब्रानियों के नाम जो पत्री है वो बर्नबास की है, किस तरीके से है, वो पौलुस की नहीं है। बहुत से लोग पौलुस की कहते हैं। एनीवे, हम बात कर रहे हैं यूहन्ना के बारे में बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये यूहन्ना पासमोस टापू पर पहुंचा कैसे। देखिए, इसकी जानकारी होना जरूरी होता है कि यूहन्ना पासमोस टापू पर पहुंचा कैसे। हम लोग सब ये कहते हैं कि यूहन्ना जो था वो पासमोस टापू पर चला गया और उसने वहां पर उसको दर्शन मिला, 95 एडी में था और ऐसा हुआ और वैसा हुआ और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और उसने वो सारी दर्शन की बात वहां पर लिखी। देखिए, सवाल ये उठता है कि वो वहां पहुंचा कैसे। आप जानते होंगे कि जो राजा नेरो था, सम्राट राजा, रोम का जो राजा था, आप अक्सर जानते हैं रोम के राजा जो थे बहुत क्रूर होते थे, बहुत बुरी बुरी यातनाएं जो थे वो लोगों को देते थे, और ये बड़ी भयंकर यातनाएं होती थी। यहां पर भी क्या करा राजा नेरो ने, लगभग 64 एडी की बात है, उसने क्या करा, उसने रोम के अंदर वो आग लगा दी। अब वो चाहता था कि मैं रोम के अंदर जलता हुआ रोम देखना चाहता हूं कि रोम जलता हुआ कैसा लगता है, और वो बड़े मजे से बांसुरी बजाकर या और उस पे कविता लिखना चाहता था, और उसने जो था रोम में आग लगा दी 19 जुलाई और 64 ईस्वी में, 19 जुलाई 64 ईस्वी में सर्कस मेकिसमस एक जगह का नाम है, उसके आसपास जो थे स्थित व्यापारियों की दुकानें थी उसमें आग लगा दी। और आप जानते हैं ये रोम जो था 9 दिन तक जलता रहा, और लगभग इसका जो हिस्सा था 2/3 हिस्सा रोम का जलकर नष्ट हो गया। 2/3 हिस्सा, एक बड़ी मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये इसने क्या करा, रोम का जो ये नेरो था सम्राट, इसने ये सारा इल्जाम मसीही लोगों पर रख दिया कि ये मसीही लोगों ने आग लगाई है और इन्होंने ऐसा करा है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये सारे मसीही लोगों की धरपकड़ शुरू हो गई,
उनको मारना, उनको यातनाएं देना और भयंकर से भयंकर यातनाएं देना। आप जानते हैं रोम के अंदर यातनाएं कैसी होती थी? जैसे जंगली जानवरों के बीच में उनको नंगा करके, चाहे औरत हो चाहे लड़की हो चाहे आदमी हो, उनको नंगा करके उनको डाल दिया जाता था, भूखे शेरों के सामने डाल दिया जाता था, जो सांड होते थे उनके सामने डाल दिया जाता था, वो उनको मार डालते थे, कुचल डालते थे, शेर उनको, भूखे शेर जो है उनको चीर फाड़ डालते थे। सोचिए कितनी ऐसी भयंकर यातनाएं। और बहुत से लोगों को जो बड़े जानवर होते थे उनकी खाल को उतार कर जिंदा उनके अंदर उनको सिल कर और रेत पर डाल दिया जाता था धूप के अंदर, जैसे जैसे वो खाल सुकड़ती जाती थी और वो भी उनका दम उसमें घुटता था। सोचिए ऐसा, सोचिए कि हमारे साथ अगर ऐसा हो तो कैसा लगेगा। ऐसी भयंकर यातनाएं जो थी रोम के द्वारा दी गई। यूहन्ना को भी उसी दौरान पकड़ा गया। जब यूहन्ना को पकड़ा गया, आप जानते हैं उसको क्या सजा दी गई थी? उसको सजा दी गई कि खौलते हुए तेल में उसको डाला गया, तेल को खूब खौलाया गया, बड़े से कड़ाहों में तेल को इतना खौलाया गया, और उसको कपड़े समेत, जो है जूते चप्पल पहने समेत, कपड़े समेत उसको खौलते हुए तेल में डाला गया। मगर जानते हैं परमेश्वर की महिमा क्या रही, क्या करिश्मा रहा कि उसको कुछ भी नहीं हुआ, उसका एक बाल बांका भी नहीं हुआ। उस खौलते हुए तेल में वो जैसा डालने से पहले था वैसे ही उस तेल में था। परमेश्वर की महिमा थी। परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, डैनियल की किताब में भी आपने पढ़ा होगा कि उसके डैनियल के दोस्तों को जब आग में डाल दिया गया तो उनके अंदर आग की एक बू तक नहीं आई, बदबू तक नहीं आई। सोचिए कितना। और यही यूहन्ना के साथ हुआ। जब उन्होंने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मगर सम्राट नेरो जो था उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो कूर था, उसको इन बातों से, रोम के जो शासक हुआ करते थे उनको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए उसने क्या करा, उनको छोड़ दिया या उसको जेल खाने में डाल दिया गया। मगर 95 AD में राजा डोमिनियन हुआ है, राजा डोमिनियन ने क्या करा, उसको पासमोर टापू पर भेज दिया, मतलब एक सजा के तौर पर, क्योंकि जितने भी राजा हुए सब जो थे वो मसीह विरोधी हुए हैं, जिनको हम मसीह विरोधी कहेंगे, या यीशु मसीह की के विरोध करने वाले, या यीशु मसीह के मानने वाले जो लोग थे उनके विरोधी हुए हैं, और उनके विरोध में इन्होंने काम करा है। आप जब आप पढ़ेंगे ये पासमोर टापू पर जो भेजा गया, प्रकाशित वाक्य 1:9 पढ़ेंगे, यीशु की गवाही के कारण पासमोर टापू में उसको भेजा गया था। यीशु मसीह की गवाही के कारण उसको, कि भाई वो यीशु मसीह का चेला था, परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ था, उसको किस बात का डर था? उसे ना राजाओं का डर था ना किसी का डर था। जो प्रभु के लोग होते उन्हें किसी का डर नहीं होता है, चाहे कितनी भी बंदिशें लगा दी जाएं। आप जानते हैं आज हमारे यहाँ कोई बंदिश नहीं है। जो उस समय रोम के मसीहों के ऊपर बंदिशें थी हुआ करती थी, उनको ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती थी, उनको वहां डाल दिया गया। और इस यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को वहीं पे लिखा है। परमेश्वर का वचन बताता है कि बाइबल की, और यूहन्ना ने सिर्फ बाइबल की प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को ही नहीं लिखा है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि वो एक कैसा लेखक था। उसने और भी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कि उसने मरकुस की पुस्तक उसी ने लिखी है। आप कहते हैं ना कि मरकुस की पुस्तक मरकुस ने लिखी, आखिर मरकुस था कौन? ये मरकुस यही था, यूहन्ना। इसने लिखी है यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसने लिखा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, इसने लिखी है। और यूहन्ना की जो तीन पत्रियां हैं, पहली पत्री, दूसरी पत्री, तीसरी पत्री, ये भी यूहन्ना ने लिखी है। ये पुस्तकें जो है यूहन्ना ने लिखी। अब आप खुद सोचिए कि जो इतना बड़ा ज्ञानी है, जिसको परमेश्वर ने अपने ज्ञान से भरा है और इतनी सारी जानकारी उसे दी है, उसकी पुस्तकों को पढ़ने में कितना आनंद आएगा, खास तौर से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को। सोचिए कैसा भेद उसके ऊपर खोला गया है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की उस जगह का जो था, उसके जगह के बारे में जानकारी थी जहां ये पुस्तक लिखी गई, और जिसने लिखी अर्थात यूहन्ना, उसके बारे में उसका परिचय था ये। अब हम आगे जो संदेश हमारा होगा वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पहले अध्याय से होगा, और हम पहले अध्याय से शुरू करेंगे आने वाले संदेश में। और मुझे उम्मीद है कि इस संदेश के द्वारा आपको प्रभु ने बहुत सी आशीष दी होगी, बहुत सी जानकारी आपको मिली होगी, बहुत सी नई बातें आपको मिली होंगी, जिससे आपकी आत्मा बहुत आनंदित हुई होगी। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष दे। आमीन।